जमीन विवादलाई लिएर भाइले हान्यो दाजुको भुँडीमा छुरी। दाजुलाई छुरी हानेपछि सुईको चार ठोक्यो भाई। घटना हो फासीदेवा ब्लक अन्तर्गत घोषपुकुरको पतिमोहन ज्योत गाउँको। दाजुलाई भाइले छुरी हानेको घटनाले क्षेत्रमा फैलिन पुग्यो सनसनी। घाइते दाजुको नाउँ अमूल्य सिंह हो भने अभियुक्त निर्मल सिंह रहेको बताइएको छ। अभियुक्त भाई निर्मल सिंह भागेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार विगत धेरै दिनदेखि यी दुई दाजु भाइबीच पैतृक सम्पत्तिलाई लिएर विवाद चलिरहेको। मङ्गलबार फेरि जमिन विषय लिएर यिनीहरूबीच विवाद सुरु भयो अनि विवादले झगडाको रूप धारण गर्यो। यसपछि भाइ निर्मलले आफ्नो दाजुको भुँडीमा छुरी हानेर त्यहाँबाट सुईकुच्चा ठोक्यो। गम्भीर रूपले घाइते बनेका दाजु अमूल्यलाई फासीदेवा ग्रामीण अस्पताल पुर्याइयो। त्यहाँ प्राथमिक उपचारपछि उनलाई उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज एवं अस्पताल लगिएको सूत्रले बतायो। सूचना पाउन साथ फासीदेवा घोषपुकुर पुलिस घटनास्थलमा पुगेर घटनाको जाँच सुरु गरिसकेको बताइएको छ। বাবা দিছে ও জমি করতে গেছে হাল চাষতে গেছে ছোট ভাই আছে মারে দিছে ছোট ভাই যে মেরেছে তার নাম কি মেরেছে নির্মল সিং নির্মল সিং যে আহত হয়েছে হ্যাঁ যে আহত হয়েছে আমার ছোট ভাই অমল সিং এবার যে চাকু মারলো কি চাইছেন এখন 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 ওকে তো মোটামুটি কেসে তো দিতেই হবে এখন ও বাড়ে গেছে তো এখন তো নতুন মানে আমি ছয় ভাই ও কিন্তু অন্য ছোট মায়ের ভাই আমার তো আমি ছয় ভাই এক মায়ের ছোট ভাইয়ের ভাই একটাই ভাই তো এখন ও ছোট ভাই হিসেবে আমি রাখি এখন আজকে এই ঘটনা করছে এখন ছাড়বো না তো এখন কিছুদিন ওকে খাটাই দেবো। नागालैंड स्टेट डीए 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहलो पुरस्कार 1,25,00,000 गारंटीड पुरस्कार टिकट को मूल्य 200 रुपया पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। गायनेकोमेस्टिया एक कंडीशन है जिसमें जनरली यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें कि चेस्ट का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जनरली ये बहुत सारे रीजंस हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये जनरली होता है। तो गायनेकोमेस्टिया से जो प्रॉब्लम है वो जो यंग जनरेशन अभी फेस कर रही है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं गायनेकोमेस्टिया का जो होने का जो रेट है या आप बोल सकते हैं पॉपुलेशन है तो आज बहुत ज़्यादा है। 10 साल पहले या 20 साल पहले इतना ज़्यादा ये कंडीशंस नहीं होते थे, लेकिन अब हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। मीन्स बहुत सारे लोगों को ये गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, जो चेस्ट का साइज है वो बढ़ रहा है। जो यंगस्टर हैं, जो जिम जाने वाले लोग हैं, जो डेली एक्टिविटी मीन्स हार्डवर्क जो जिम में कर रहे हैं, उनमें किसी कारण से ये ब्रेस्ट का साइज जो है चेस्ट का साइज वो बढ़ रहा है। तो इसमें आपको जब आप बेयर चेस्ट होते हैं या जिम जाते हैं या आप स्विमिंग पूल में हैं या बीचेज पे हैं तो इस कंडीशन में आपको
जो एक्टिविटी है वो करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। रीजन क्या है कि आपके चेस्ट का साइज बड़ा है, तो सोशली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऐसे पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप गायनेकोमेस्टिया की जो सर्जरी है वो आप कराएं। ये बहुत ही सिंपल है, डे केयर प्रोसीजर है और बहुत ही एडवांस तरीके से हम लोग आजकल गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी करते हैं। इसमें जो सर्जरी का जो स्टिग्मा है कि आपको कोई स्कार नहीं होगा, कुछ दिन बाद आपको कोई ये पता भी नहीं कर सकते कि आपकी ये गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी हुई है। जनरली हम लोग जो सर्जरी करते हैं उसमें चेस्ट के साइड में जस्ट 4-5 mm का एक स्कार होता है जो की होल्स हम लोग बनाते हैं, उसके थ्रू मशीन से सारी जो प्रोसेस है, जो फैट है, ग्लैंड्स है, सारी चीज वहीं से हम लोग निकाल लेते हैं। सामने कोई स्कार नहीं होता है तो देयर इज नो सोशल स्टिग्मा कि आपने कोई गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी पहले कभी कराई है। और ये सर्जरी का जो प्रोसेस है ये डे केयर प्रोसेस है। मॉर्निंग में आप एडमिट होते हैं, ऑपरेट होते हैं और इवनिंग में आप घर जा सकते हैं, और घर जाने के बाद आप सेकेंड डे से आप डेली रूटीन एक्टिविटी जो अपनी होती है वो आप कर सकते हैं। विद इन 7 days आप हार्डवर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जिम जाने वाले लोग हैं तो आप जिम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 7 days। और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको गारमेंट्स पहनना होता है, कुछ कंप्रेशन गारमेंट होते हैं, कुछ क्लोथ्स होते हैं जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आप पहन के आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। और कुछ हफ्तों में मीन्स 1 or 2 weeks आफ्टर 2 weeks यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। आपके जो स्कार्स होते हैं, जो स्टिचेज होते हैं, स्टिचेज भी निकल जाते हैं और आप विद इन 2 weeks यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन टू डू एनी वर्क। अगर आप गायनेकोमेस्टिया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ये प्रोसीजर आपको एडवाइस करते हैं। धन्यवाद।